कशफिया की तकरीब रुनमाई में शिरकत की सआदत मेरे लिए मकाम मसरत है। दोहरी खुशी इस बात की कि जश्न शहर उर्दू में मुनक़द हो रहा है। शहर मालेगांव और सलीम शहजाद मेरे लिए यकसां दिलचस्पी के मौजूआत हैं। हम लोग जिस तवज्जो इनमाक से सलीम साहब की किताबें पढ़ते हैं, उसी तकद्दस व एहतराम से उर्दू के इस शहर की तरफ देखते हैं। उर्दू ज़बान के एक तालिब इल्म के लिए किसी शहर की निस्बत सलीम शहजाद से बेहतर और क्या हो सकती है। हमारे दोस्त अब्बास साबिश का शेर है कि मजनू सा जब चाहने वाला होता है, मजनू सा जब चाहने वाला होता है, पूरे आयत का एक हवाला होता है। मेरा एहसास है कि शेर उर्दू अहल इल्म का मजमा और अब्बास साबिश का शेर, इसके बाद सलीम शहजाद के मजीद तारुफ की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अब मुझे मुंतज़मीन से किए गए वादे के मुताबिक रस्म निभानी है। शहनशाह तगज़ुल जिगर मुराद आबदी ने अपने महबूब के बारे में कहा था, दूर जाकर देखते, नज़दीक आकर देखते, हमसे बन पड़ता तो हम उनको बराबर देखते। पता नहीं जिगर की ख्वाहिश पूरी हुई या उनकी हसरत ही रह गई, लेकिन खाकसान ने आज के साहिब जश्न को दूर से भी देखा है और नज़दीक से भी उनकी शख्सियत का मुताला किया है। मैंने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर उनकी इल्मी किताबों से इस्तेफादा भी किया है, नीज़ बाल भारती में साथ बैठकर उनकी इल्मी सोबतों से फैजियाब भी हुआ हूँ। उनके खतूत की इंतहाई मुश्किल बल्कि गुंजलक तहरीर को पढ़ने में नाकामी के बाद उन्हें ज़बान कवायद के मुश्किल मसाइल की आसान लफ्ज़ों में गिरा कशाई करते भी देखा है। बारह उनकी हमादानी और इल्मियत का कायल हुआ हूँ तो किसी इल्मी नुक्ते पर उनसे इख्तलाफ करने और अपनी बात मनवाने की जरूरत भी की है। मुख्तसर है कि सलीम शहजाद की शख्सियत के मुताले के लिए उनकी किताबें पढ़ना ही काफ़ी नहीं बल्कि उनके साथ उठना बैठना भी ज़रूरी है। मजीद ये कि जिस तरह हम जैसे बाहर के लोगों को उन्हें नज़दीक से देखने के लिए मालेगांव भी आना चाहिए, तो अहले मालेगांव को भी शहर उर्दू की हदूद से जाकर सलीम शहजाद की किताबों का मुताला करना चाहिए, ताकि इस आलिम बेबदल की शख्सियत को दूर और नज़दीक से देखने का कदा हो सके। सलीम शहजाद को दूर और नज़दीक से देखने के बाद मेरे दिल और दिमाग पर उनकी जो तस्वीर उभरी है उसके चंद नुकुश पेश करता हूँ। सलीम शहजाद की इनफरादियत यह है कि वह ज़बान और शेर के जिस मसाले पर कलम उठाते हैं उसका पूरा हक अदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़र मुतलका तहरीर के एक एक जुजिए तक का अहाता करती हुई उस फनपारी की रूह तक पहुंच जाती है। जिन लोगों ने उनके काम को करीब से देखा है वो मोतरिफ हैं कि सलीम शहजाद की अदबी शख्सियत बड़ी पहलूदार है और उसका हर पहलू नहायत रोशन और ताबनाक और मुकम्मल है। शेर अदब में बास तराकीब, लफ्जियात और फिक्रे हर अदीब के लिए रस्मन लिख दिए जाते हैं, मगर सलीम साहब वाकयतन आलिम अदबियात हैं। अगरचे सलीम शहजाद को तमामी असनाब अदब पर काबिल रश्क बसीरत हासिल है, ताहम उनकी अदबी शख्सियत का नक्श अव्वल तनकीद है। एक सुलझे हुए नक़ाद के लिए पुख्ता अदबी शऊर, अमीक मुताले, ज़बान बयान व महारत और मुख्तलिफ मुतदावल व मुआसिर अदबी रुझानात से कमा हक़ वाकफिया ज़रूरी होती है। ये मकाम मसरत है कि सलीम साहब को ये फतवात हासिल है। उनका अदबी शऊर नहायत मुस्तकम है, उनका मुतालिया बहरुल काहिल की तरह तवील, अमीक व अरीज़ है। ज़बान व बयान और इंशा व इमला की हजाकत व महारत से वो वाकिफ हैं। क्लासिक आशनाई के मंजिल से वो पहले ही गुजर चुके हैं। मासिर अदबी रुझानात पर उनकी तकाबुली नज़र है। वो जो बात भी कहते हैं किताबों के हवालों और अकली व अदबी दलाइल के साथ कहते हैं। बाज़ औक़ात इल्मी मसाइल में उनकी गिरफ्त इस कदर सख्त होती है कि बड़े बड़े जोगादरी अहले कलम पसीना पसीना हो जाते हैं। उनकी मशहूर तसनीफ मतन व माना का तजिया में नाकिदीन असर शमसुरहमान फारूकी और वारिस अलवी की तनकीदी तहरीरों पर लिखे गए उनके मजामीन इस बात का बयान सबूत हैं कि उन्हें किस कदर आला तनकीदी बसीरत हासिल है। अपनी इस किताब में सलीम साहब ने उन नाकिदीन की तहरीरों का नहायत चाबुक दस्ती से पोस्टमार्टम किया है। शेर अफसाना पर मुतलका नाकिदीन के मौकफ का इस कदर बारीक बीनी से तजिया किया
कि उसे रद्द नहीं किया जा सका। साथ ही गोपीचंद नारंग की साख्तियात पस साख्तियात मशिक शेरियात और वहाब अशरफी की माबाद जदीदियत मजमरात और इम्काना जैसी माबाद जदीदियत की नजरिया साज किताबों का इस कदर इल्मी अंदाज में मुहाकमा किया जिसकी तरदीद नामुमकिन थी। नतीजतन मुतलका नाकदीन ने सलीम शहजाद का जवाब न देने और खामोशी अख्तियार करने ही में आफियत महसूस की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सलीम शहजाद की इनफरादियत का। सलीम शहजाद की सबसे अहम खूबी है कि वो खुद आगाह हैं। उन्हें अपने मुताले, अपनी राय, अपनी फिक्र और अपनी कुव्वत इस्तदलाल पर पूरा एतमाद हासिल है। वो हर अदीब और मुफक्किर से बुलंद बाला होकर और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत से महरूम नहीं होते। इस दौरान उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ फन पारे पर होती है। यही वजह है कि आज मैदान तनकीद में उनका दबदबा बना हुआ है। सलीम शहजाद की उम्र इस वक्त तकरीबन 72 बरस है और उनकी अदबी उम्र 50 साल। इससे अंदाजा होता है कि उन्हें अवायल उम्र ही में अदबी शऊर की पुख्तगी हासिल हो गई थी, जो शेर अदब में खाल खाल लोगों ही का मुकद्दर होती है। अभी अपने इसी आला अदबी ज़ौक और वसी मुताले की बुनियाद पर उन्होंने अव्वल रोज ही से अपने कलम को इस कदर तेज कर लिया था कि उससे निकलने वाली हर तहरीर वक्त के साथ मुतवाजन, मुदलल और मोतबर होती चली गई। इस दौरान उन्होंने कहीं अपने अदबी अफकार और नजरियात पेश किए तो कहीं अपनी तीशे कलम से बड़े बड़े बुद्ध भी गिराए। उन्होंने मारूफ अदीबा इस्मत चुगताई की मशहूर जमाना नावल एक कतरा खून पर खालिफ इल्मी और फिक्री अंदाज में गिरफ्त की। उनकी मुदलल जरा व तनकीद को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि उस शोरा आफाक अदीबा ने शोहरत और नामवरी के जौम में फिक्र बसीरत से कदरे कम काम लिया है। शायरी सलीम साहब की अदबी शख्सियत का सानवी रूप तस्वीर की जाती है, लेकिन उनके तीन शेरी मजमूए इस ख्याल की नफी करते हैं। उन्हें आला शेरी मलका वदियत किया गया है। उनकी तबीयत को आजाद शायरी से कदर नस्बत है। पहले दो मजमूए जिनमें नज़में और गज़लें शामिल है आजाद और गैर पाबंद शायरी के उम्दा नमूने हैं। जहां तक सलीम साहब की दाखिली औसाफ का ताल्लुक है, ऐन मुमकिन है इस पर अभी गुफ्तगू नहीं हुई है, खुद आगही, बेनियाजी और रास फिक्री उनकी शख्सियत के तीन पायदार सुतून हैं। उनकी खुद आगही का जिक्र पहले आ चुका है। बेनियाजी उनकी शख्सियत का मखसूस वस्फ है। वो किसी भी किस्म की ख्वाहिश, तमन्ना, सिला, तमा, खुशनुदी और खुशामद से बेनियाज होकर काम करने के आदी हैं। इस तकरीब के मुंतजमीन को भी उनकी इस रास इस फिक्र का रास तजुर्बा हुआ होगा। सलीम शहजाद ने आज तक किसी खुशनदी या नाराजगी के लिए का ख्याल किए बिना और नतीजे से बेपरवाह होकर मौरके के अदबी काम किए हैं। उनकी बेनियाजी उन्हें नशे तहसीन व सताइश से कभी सरचार नहीं होने देती। वो ना तो कभी अपनी तारीफ से खुश होते हैं और ना किसी की तवज्जो इल्तिफात की खातिर उसकी कसीदा खानी पसंद करते हैं। तबीयत की ये बेनियाजी उनकी जिंदगी पर मजबत और मनफी हर दो लिहाज से असरअंदाज हुई है। इसका मस्बत नतीजा ये निकला कि उन्हें मन तोरा हाजी बोगयम तुम्हारा हाजी बोगो कहने में अपना वक्त जाया न करना पड़ा और अपने मौरा का आरा काम के लिए यकसुई हासिल हो गई। इसका नुकसान ये हुआ कि इस बेनियाजी के बाद उनके काम की खातिर ख्वा पजीराई ना हो सकी। दुनिया ने उनकी कदर न पहचानी, अहले इल्म ने उन्हें नजरअंदाज किया, अहले नजर ने उनके कमाल को मंजर आम पर लाने में तंगदिली का मुजाहरा किया। नतीजतन उर्दू शेर व अदब में मल्टी डायमेंशनल काम करने वाले कलमकार को कोई कौमी सतह का एजाज न मिल सका। आज अहले मालेगांव ने इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद करके अपने जौहरी होने का सबूत पेश किया है। आज की तकरीब सलीम शहजाद के लिए किसी बड़े कौमी एजाज से कम नहीं है। सलीम शहजाद की शख्सियत का तीसरा वस उनकी रास फिक्री है। मौसूफ किसी मजहबी जमात या तहरीक से कभी वाबस्ता नहीं रहे, लेकिन इल्म दीन पर उनकी गहरी नजर, अकायद सहिया पर साबित कदमी, कुरान हदीस के रास मकामात तक उनकी रसाई और दीनी मामलात में सूझबूझ उनकी शख्सियत को काबिल रश्क बनाती है और बर्जस्ता जबान से निकलता है, तौफीक अजीजस्त बहर कस न दहन ई गोहर ना सुफ्ता बहर खस न दहन। वाकया ये है कि सलीम साहब को किसी बड़े कलमकार से शर्फ तलम्मुज़ हासिल न रहा,
उनके वालिद एक लिखे पढ़े शख्स थे, इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी शख्सियत की तामीर में मकतब की करामत से ज़्यादा फैज़ान रज़ा शामिल था। फिर उन्होंने मुताले को अपना उस्ताद बनाया और इस दश्त की सयाही में इस तरह उम्र गुजारी के दफ्तर अपने अंदर जज्ब कर लिए। उन्होंने शायरी की लेकिन मुशायरों की हंगामा आरई से दूर रहे। स्कूल में मुदरसी की मगर तमाम किस्म की गैर जरूरी मसरूफियात से दामन कश रहे। उन पर वो काम करने की धुन में कभी किसी पर तकिया नहीं करते, बल्कि ज्यादा ज्यादा काम करके उन्हें ज़हनी आसूदगी कल्बी सुकून और मसरत हासिल होती है। दिन भर काम करने पर भी ना तो उनके चेहरे पर थकन नजर आती है और ना ही उनके बर्ताव में उकसाहट नजर आती है। मुझे तो सलीम साहब के लिए सेल्फ मेड की इस्तेलाह सबसे मुनासिब महसूस होती है, बल्कि यही खिलत उनके कदे मौजू पर ठीक बैठती है। अहले बालेगांव खुशकिस्मत है कि इसका इल्म फज़ल ज़कावत और फिरासत और अदराक व काबिलियत वाली शख्सियत उनके दरमियान मौजूद है। इस कहतो रजाल में ऐसे अरबाब इल्म फन का मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं। आज के मुंतज़मीन मुबारकबाद काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने ये जश्न मुनक़िद करके अहले इल्म व कमाल से मोहब्बत की दलील पेश की है। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुना है मालेगांव में सलीम शहजाद के नाम पर लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं। खुशी की बात है, लेकिन सिर्फ नाम ही से कुछ ना होगा, बल्कि किसी शख्स को सलीम शहजाद बनने के लिए किस कदर मेहनत से शाका से गुजरना पड़ता है, ये कमाल फन कितना मुतालिया और इस्तकराक चाहता है, अपने मामूलात में क्या क्या तर्क को अखस करने पड़ते हैं, ये वही शख्स जानता है जिसका नाम सलीम शहजाद है। साहिब किताब को दूर और नज़दीक से देखने के बाद हमारा सो बस यही तासुर है कि हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। मैं इस तकरीब के कन्वीनर और मुंतज़मीन का हद से ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस अज़ीम-उश्शान और बावक़ार तकरीब में मदऊ किया और अहले इल्म के दरमियान अपने एहसासात पेश करने का मौका इनायत किया। आप शुरका का भी मैं मशकूर हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, उसे पसंद किया। शेर उर्दू से मिला हुआ यह हौसला यकीनन मेरे लिए मताए जीत साबित होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।